अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 1:30 इन द आफ्टरनून. एक्चुअली सुबह से मैं ट्राई कर रही थी एडिटिंग करना और आज का वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है. मेरे मंदिर को जो मैंने क्लीन एंड ऑर्गेनाइज किया है वो वाला वीडियो, तो वही मैं थोड़ा दिन भर थोड़ा वो सब कर रही थी और बाकी के काम भी निपटा रही थी. तो टुडे द बेस्ट पार्ट इज की मोर देन 80% ऑफ माई लंच इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. कल का ही बचा है काफी सारा, तो आज कुकिंग उतना लंच में नहीं है, डिनर में करना पड़ेगा. दुर्गा पूजा इज जस्ट नॉकिंग ऑन द डोर और एक बहुत ही गुड गुड वाला फीलिंग जो आता है वो आ रहा है. एक सैड पार्ट जो है विच आई मिस अ लॉट सिंस लास्ट 5 years, दैट इज की दुर्गा पूजा वॉज द टाइम वेन मैं और मेरी मदर हम लोग बहुत खुश होते थे और बहुत कुछ प्लानिंग करते थे कि क्या ले रहे हैं, क्या करना है. और बिफोर मैरिज एक अलग ही यूफोरिया रहता था, क्योंकि मैं तो जब छोटी थी तो मैं 1-1.5 महीने पहले से ही मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी. तो आई यूज टू स्टार्ट बाइंग थिंग्स फॉर मी, मतलब मैं ही मेन थी. जब थोड़ी सी बड़ी हुई, मतलब जब 8th-9th में मैं गई, तब से मैं ही ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी और मैं ही सारा शॉपिंग करवाती थी कि पापा का हो, मम्मी का हो, मेरा हो या फिर भाई का हो. तो वो दिन भी क्या दिन थे. और इवन आफ्टर मैरिज भी हम लोग फोन में लगे रहते थे कि क्या खरीद रहे हैं, क्या क्या प्रेपरेशन है, कितने लोग आए चंदा लेने, तो वो एक अलग ही एक स्टोरी हुआ करता था. तो वो मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ एक्चुअली. इंटायर ईयर ही थोड़ा थोड़ा मिस तो करती हूँ, बट दिस इज द टाइम जब बंगाली वो जो कीर्तन और वो जो डिवोशनल सॉन्ग्स आजकल बहुत ज्यादा व्हाट्सएप में भी लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं एज वेल एज फेसबुक में भी आ रहा है, तो वो सब देख के वो गाने वगैरह सुन के बहुत मन मेरा खराब होता है. तो वही है, मैं इस टाइम बहुत ज्यादा उनको मिस करती हूँ और जितना हैप्पी भी फील करती हूँ उतना उनको मिस करती हूँ, सैड भी फील करती हूँ. मुझे बनाना है जिमीकंद या फिर सूरन जिसको बोलते हैं उसका एक वेजिटेबल, और बाकी घर में पड़ा हुआ है वही आज लंच में हो जाएगा. तो मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ और आप लोग भी रहिए मेरे साथ. मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और थोड़ा सा हरा मटर डाल दिया है, फ्रोजन है वैसे ये, और इसको फ्राई कर लिया मैंने अभी. और इसमें है बॉइल्ड सूरन, एलिफेंट फूट या जिमीकंद जो भी बोले, उसको अब बस मसालों के साथ डाल के मैं थोड़ा सा बॉइल कर लूँगी और बस हमारा सब्जी रेडी. और मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके कम गर्म मसाला खाओ, तो एज अ सब्स्टिट्यूट मैं हमेशा यूज़ करती हूँ कसूरी मेथी. इट्स अ गुड सब्स्टिट्यूट इफ़ यू वॉन्ट टू हैव सम अरोमा इन योर वेजी, बट लाइक मी वॉन्ट टू अवॉइड गरम मसाला, तो वो आप लिबरली बहुत यूज कर सकते हो. तो आज मैं भी वही यूज करूँगी और बस हमारा लंच इज रेडी और फटाफट से लंच कर लूँ. और लंच के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सा साड़ी सिलेक्ट कर रही हूँ इस बार दुर्गा पूजा पहनने के लिए, और आप लोग को ही मुझे हेल्प करना है और वो कैसे आपको थोड़ी देर बाद मालूम चलेगा. तो कीप वॉचिंग.
अभी है इवनिंग का टाइम, ऑलमोस्ट 6:40 बज रहा है. एक मिनट आपको घर वॉक क्लॉक दिखाऊं. तो अभी हो रहा है 6:40 इन द इवनिंग और मैंने कहा था आपको आफ्टरनून में दिखाऊंगी साड़ी कलेक्शन या कौन सा साड़ी मुझे पहनना है जो मैं सोच रही हूँ, और आप लोग भी डिसाइड करके दोगे मुझे कि कौन कौन सा पहनूं. तो मैं तो आफ्टरनून को थोड़ा सा आई टुक अ नैप, पावर नैप जिसको बोलते हैं. फिर हबी आ गया था जल्दी, तो हम लोग फिर इवनिंग का वॉक भी कम्प्लीट करके आ गए, और इसलिए मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ मेरे जो साड़ीज हैं उनके बारे में बात करना. तो मुझे लगा क्यों ना फिर जब साड़ी का ही बात हो रहा है तो एक साड़ी पहन ही लिया जाए. तो इसलिए फिर मैंने ये साड़ी, मैंने आई थॉट कि चलो ये वाला साड़ी ड्रेप कर लूँ तो एक थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अब साड़ी के बारे में बात कर रहे हो, साड़ी पहन के करो तो और अच्छा. ये वाला साड़ी जो मैंने पहना है ये मैंने लास्ट पहना था 2-2.5 महीने पहले. एक्चुअली मेरे नेबर के यहाँ गृह प्रवेश था. ऐसा कुछ भी मुझे मौका मिले तो आई ऑलवेज प्रेफर वेयरिंग अ साड़ी, तो मैंने ये उस दिन पहना था. और ये जो साड़ी है ये बहुत ही कंफर्टेबल साड़ी है, एंड दिस इज द ओनली साड़ी विच वी हैड बॉट ऑनलाइन. वैसे ये हम लोग ने लिया था फ्लिपकार्ट से. आई गेस ये 7-8 साल पुराना साड़ी है, और बेस्ट पार्ट है कि ओनली 500 bucks का मिला था. इसको भागलपुरी सिल्क बोल के ही बेचा गया, बट आई डो नॉट थिंक ओरिजिनल भागलपुरी सिल्क होगा, बिकॉज वो तो जनरली थोड़ा कॉस्टली रहेगा. बट एनीवेज ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी है. आई गेस ये हार्डली 150 grams का होगा. तो समर्स में या फिर अगर बहुत ह्यूमिड वेदर में अगर पहनना हो तो ये वाले साड़ी बड़े अच्छे लगते हैं. तो पहले मैं आपको ये वाला पीछे जाके दिखाऊं और फिर शुरू करते हैं अलमारी खोल के आपके साथ दिखाऊं एक एक करके मैं कौन कौन सा सोच रही हूँ इस साल पहनूं. ये है अलमीरा के अंदर का लुक. इस तरफ है, ये सारे हैं एक्सपेंसिव साड़ीज, और यहाँ पे है थोड़े से कम एक्सपेंसिव, और नीचे हैं मेरे सारे पेटीकोट ब्लाउज वगैरह भी. सबसे पहला साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ ये मतलब मेरा फिक्स्ड है, ये जरूर पहनूंगी. ये मैंने नल्ली से लिया था 2016 में, शायद 2015 या 16 में ये वाला लिया था. इस टाइप का है. एक मिनट ब्लाउज हटा दूं. प्योर जरी वर्क है, और ये है रानी बट लिटिल रेडिश एंड ऑरेंजिश, एक फ्यूजन टाइप कलर है. मतलब जितना ऐसे हिलाऊंगी थोड़ा अलग अलग कलर आता है. तो किसी शेड से एकदम मोस्टली तो रानी कलर है, डार्क पिंक. और बट कभी कभी ऐसे अगर इसको टर्न करे तो कभी कभी हल्का सा ऑरेंजिश भी लगता है, हल्का सा रेडिश. बट ये बहुत ही अच्छा साड़ी है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये काफी लाइट वेट है, जो कि मैं सोच रही हूँ कि इस बार लाइट वेट वाला ही लू, क्योंकि गर्मी तो रहेगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसके साथ अगर चाहे तो गोल्डन चौड़ा सा नेक पीस भी पहन सकते, जो कि है मेरे पास, बिकॉज आई प्रेफर वेयरिंग चोकर नेक पीसेस. तो वही वाला शायद पहनूंगी, बट इस गोल्ड का भी बहुत अच्छा लगेगा. मैं कोई भी साड़ी पूरा खोल के नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा
सस्पेंस बना रहना चाहिए. तो जब आप दुर्गा पूजा के व्लॉग्स देखोगे तो एट दैट टाइम यू विल सी कि हाँ यही वाले साड़ीज पहन के कैसा लग रही है, कैसा लग रहा है और साड़ीज कैसे है. पर थोड़ा सा स्नीक पीक दे दूं, ये ऐसा है बिल्कुल भरा भरा सा आंचल. कैलकटा उस साल गए थे हम लोग, बट मेन प्रॉब्लम था कि वो साल में बहुत बारिश हो रही थी और हम लोग घर से निकले इवनिंग के टाइम मेन कैलकटा के जो बड़े बड़े पूजा है वो देखने, बट इतनी ज्यादा बारिश शुरू की आधा साड़ी तो स्टार्टिंग में भीग गया. आई कुडंट टेक गुड पिक्चर्स एट ऑल और लग रहा था कि कैसे घर वापस जाएंगे. दैट वॉज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज इट वॉज रेनिंग सो हेवीली एंड हार्डली वी कुड सी 2 या 3 पंडाल, फिर वापस चले आए थे. तो ये साड़ी मैं उतना अच्छा सा नहीं पहन पाई थी, भीग भी गया था, क्रम्पल भी हो गया था. सिंस इट्स अ वेरी डेलिकेट एंड अ वेरी बहुत ही अच्छा साड़ी है तो मैं ठीक से पहन नहीं पाई थी उस साल. मतलब ना फोटोग्राफ्स है ना घूम पाए, जाते ही आधा भीग गए हो, फिर लग रहा कब घर वापस भागो. तो इन सब में आई कुडंट एंजॉय दिस साड़ी अ लॉट. तो सोच रही हूँ कि इस बार ये पहनूंगी जरूर, आइदर सप्तमी में पहनूंगी या फिर नवमी में, लेट्स सी, आई हैव डिसाइडेड. मुझे प्रेस करना है क्योंकि क्रम्पल हो गया था और मैं बहुत सिंपल ही ब्लाउज मुझे पहनना अच्छा लगता. तो ये है इसका ब्लाउज और मुझे ऐसा शॉर्ट स्लीव अच्छा लगता है, जितना बॉर्डर हो उतना स्लीव्स और ऐसे लटकन भी है मैचिंग. तो ये हो गया एक, ये सेट है, ये तो पहनूंगी. नेक्स्ट देखते हैं कौन सा. सेकेंड सोच रही हूँ ये वाला पहनूं, संबलपुरी सिल्क फ्रॉम उड़ीसा. ये है प्रॉपर रेड एंड ब्लैक कॉम्बो में. दिस वॉज बॉट बाय हबी इन द ईयर 2005 या 2006, भूलने लगी हूँ अब मैं. उस वक्त हम लोग कैलकटा दमदम में रहते थे एंड हबी हैड गॉन फॉर एन ऑफिशियल टूर इन उड़ीसा. तो नेक्स्ट मंथ ही दुर्गा पूजा था तो फिर वहीं से वो लेके आए थे मेरे लिए. ये प्योर हैंडलूम संबलपुरी सिल्क है. तो ऑल ऑफ माई साड़ीज आर ट्रेडिशनल साड़ीज, हैंडलूम वन एंड ओरिजिनल पीसेस, मतलब रियल जो वर्क होता है वो. क्योंकि मैं कम पहनती हूँ पर जब हम लेते हैं तो थोड़ा अच्छा और एकदम ट्रेडिशनल वाला ही मुझे अच्छा लगता है. तो ये संबलपुरी सिल्क है एंड दीज आर ऑल रियल थ्रेड वर्क. तो ये शायद पहनूंगी षोष्ठी नाइट या फिर अष्टमी नाइट, शायद सोच रही हूँ. बट ये षोष्ठी नाइट के लिए सही रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा गॉर्जियस नहीं है, लिटिल सिंपल में है, लिटिल मैटी फिनिश. तो सोच रही हूँ षष्ठी नाइट के लिए सही रहेगा. एंड ये है उसका ब्लाउज, सिंपल स्लीव्स और बॉर्डर. ये उसी वक्त का ब्लाउज है, उस वक्त उतना लटकन का फैशन नहीं आया था, थोड़ा बहुत था बट इतना ज्यादा नहीं था. तो सिंपल ही मैंने बनवाया था. जनरली आई प्रेफर वेयरिंग सिंपल ब्लाउजेस ओनली. नेक्स्ट सोच रही हूँ ये वाला पहनू नवमी नाइट के लिए. नवमी में जनरली ब्लैक काफी लोग पहनते हैं, वैसे दुर्गा पूजा के टाइम लोग ब्लैक कम ही पहनते हैं, बट आई लाइक दिस साड़ी अ लॉट. ये भी मैंने नल्ली से ही लिया था, उसी साल एक ही साल लिया था 2016 या 2015 में. तो दिस इज अ ब्लैक साड़ी, पूरा ब्लैक है और ये प्योर चंदेरी है एमपी का, मध्य प्रदेश. तो थोड़ा सा सी थ्रू है, इट्स क्वाइट ट्रांसपेरेंट बट अगेन अ वेरी कंफर्टेबल एंड अ वेरी गॉर्जियस साड़ी टू. इसका बॉर्डर देखो कितना अच्छा है और ये पूरा ऐसे हैवी ऐसे बूटी बूटी का काम किया हुआ है. और ये है इसका ब्लाउज, इसे बॉर्डर लगा हुआ और ये स्लीव्स और मैचिंग रेड लटकन. ये सोच रही हूँ अगर हो तो नवमी नाइट को पहनूं.
अब दो साड़ी में से एक आपको बताना है कौन सा मुझे पहनना है। ये एक और साड़ी है ऑरेंजिश रेडिश कलर का और गोल्डन बॉर्डर एंड गोल्डन हेवी वर्क। ये हबी लाए थे हैदराबाद से, उपाड़ा सिल्क, करेक्ट उपाड़ा सिल्क है ये। तो वही ऑफिशियल टूर में गए थे तो लौटते वक्त ले आए थे। तो ये पूरा ही ऐसे हैवी वर्क है और इस टाइप का है इसका आंचल। प्लेन में है इसका ब्लाउज ऐसे। एक ये साड़ी है जो कि मैंने उसी साल पहना था जिस साल 2015 या 16 जब बहुत बारिश हो रही थी, तो ये भी मैं ठीक से पहन नहीं पाई थी, अच्छे पिक्चर्स भी नहीं आए थे, बहुत जल्दी घर भागना पड़ा था, चेंज करना पड़ा था। तो ये वाला साड़ी में कंफ्यूजन है कौन सा पहनूं। ये है फुल मस्टर्ड में और है ऐसे ब्लू बॉर्डर, दिस इज कांजीवरम। और इसका जो आंचल है वो है ऐसा ब्लू। ये एक्चुअली मैंने मम्मी को गिफ्ट किया था, मेरे मदर को, आई थिंक 2007 में ये बॉम्बे से लिया था मैंने, तब मैं बॉम्बे में रहती थी। तो ये वाला कांजीवरम मैंने अपनी मम्मी के लिए खरीदा था, तो जब मम्मी एक्सपायर हो गई तो मैं लेके आई थी, तो मैंने एक साल पहना ये उसके बाद भी। और इसके जो ब्लाउज है वो मम्मी का है, ऑब्वियसली मेरे को नहीं आएगा, तो मेरे पास दूसरा है एक साड़ी का इसी कलर का ब्लाउज। तो ये है फुल मस्टर्ड और ये है फिरोजी। तो आपको बताना है ये वाला साड़ी पहनूं कि ये वाला साड़ी, आयता सप्तमी या अष्टमी में नाइट में कभी पहनूंगी। तो इन दोनों में है कंफ्यूजन और आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा पहनना चाहिए। और एक और साड़ी ये है कोलम साड़ी। ये टिपिकल बंगाली साड़ी है, व्हाइट साड़ी विद अ रेड बॉर्डर। ये है कैलकटा का आदि ढाकेश्वरी से, मतलब इट्स अ वेरी फेमस साड़ी सेंटर इन कैलकटा, वहां से लिया था। बट ये है एक्चुअली साउथ साड़ी, कोलम है ये। और ये है इसका आंचल पूरा रेड में। इसके साथ ब्लाउज नहीं था, ब्लाउज पीस नहीं था, बट अगेन अ मैचिंग ब्लाउज है मेरा एक और बनारसी साड़ी का, मैं वो इसके साथ पहनती थी। तो ये अगर मैं अष्टमी सुबह के टाइम जा पाती हूँ अंजलि देने, तब मैं ये पहनूंगी, क्योंकि ये मुझे काफी दिन हो गए पहने हुए, काफी साल हो गए। आई गेस ये चार पांच साल पहले लास्ट पहना था। तो सोच रही हूँ इस साल अगर अष्टमी जा पाती हूँ और अंजलि, या फिर अगर ऐसे भी अगर निकल पाती हूँ सुबह के टाइम, तो शायद पहनूं। ये तो फिलहाल फिक्स्ड हो गए हैं, होपफुली मैं इनमें तो चेंज ना करूं, बट यू नेवर नो, लास्ट मिनट कुछ अगर और दिमाग में आ गया कि नहीं कुछ और चेंज करना हो तो। बट वो दोनों में से आप एक बता देना कि मुझे कौन सा पहनना चाहिए। शुरू हो गया है हर बंगाली घरों में जोर शोर से दुर्गा पूजा की तैयारी। वेस्ट बंगाल में तो उसका अलग ही मजा है, बट हम लोग भी कहां पीछे रहने वाले हैं, जहां भी रहते हैं वहीं उसका मजा ले ही लेते हैं। तो चलिए अब धीरे धीरे शॉपिंग भी करना है, तो वो भी आपको शेयर करूंगी। आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ और आप लोग जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा साड़ी पहनूं। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ फिर एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।